सर फिल्म का नाम ऐसे कि सांसें किस तरीके के किरदार में है इसके बारे में थोड़ा बताइए जी. फिल्म ऑब्वियसली एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है और मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर प्ले कर रहा हूँ जो एक बिजनेसमैन है और वो मॉरिशियस आता है. वो कैसे एक लड़की से प्यार में पड़ जाता है एंड देन इतने हद तक प्यार में होता है कि ही इज रेडी टू एक्चुअली गो टू एनी लेवल एंड देर आर सर्टन स्पिरिट्स इन्वॉल्व विद द गर्ल. जो उसके लड़की किसी एक जंगल में फंसी हुई है जो जिसमें कुछ भूत या स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं. उस चक्कर में ऑब्वियसली लड़की मना कर देती है इसको कि आप उसमें मत घुसो, लेकिन ही इज़ रेडी टू गिव हिज लाइफ. वो अपनी ज़िंदगी भी दांव पे लगाने को तैयार है एंड वो उसमें घुस जाता है और वो उसका नाइट इन शाइनिंग आमद बनता है फिर. और बेसिकली उसके बीच में मैं हितेन की हेल्प लेता हूँ, उसके बीच में नीता की हेल्प लेता हूँ और हम मिल के अब वो लड़की को बचा पाते हैं या नहीं, ये आपको देखने के लिए कहानी देखनी है. या दिस इज माई सेकेंड हॉरर फिल्म. तो 1920 बहुत साल पहले थी, आज भी वो सैटेलाइट पे नंबर वन हॉरर फिल्म है. वो लगभग रोज आती है किसी ना किसी चैनल पे. तो ऑब्वियसली एक बहुत बट कहीं ना कहीं मेरा पिछले जन्म से और थ्रिलर से और हॉरर से कुछ नाता है, ये मैं मानता हूँ. एंड व्हाई नॉट यार, अगर है तो वैसे चीज़ करनी भी चाहिए. जी जी जी. एज अ फिल्म, मतलब फिल्म में जब सोनारिका आई और उन्होंने बताया तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस बिकॉज शी इज़ ऑल्सो अ प्रोफेशनल एक्टर. तो बहुत अच्छा रहा क्योंकि उनको मतलब पता है कि क्या है. थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये फिल्म है और फिल्म एक अलग तरीके से शूट होती है, टीवी थोड़े से अलग तरीके से शूट होता है. बट ऑन द होल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस. जी ट्रेलर में मुझसे आपने राज पूछा था और मुझसे पूछा था, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी एक रोमांटिक हॉरर फिल्म होगी जहाँ पे प्यार होगा, जहाँ पे भूत होगा, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि 1920 और राज दो ऐसी फिल्में हैं जिनसे कंपैरिजन होगा ही होगा. एंड मैं ये बोलूँगा कि सांसे जब मैंने स्क्रिप्ट को हाँ बोला था तो मुझे बहुत टाइम के बाद कोई ऐसी हॉरर स्क्रिप्ट मिली थी जो एक लेवल पे 1920 प्रॉब्ली से ऊपर होगी. एंड इसका जिस हिसाब से जो रोमांस लिखा गया है, इसका जिस हिसाब से प्री क्लाइमैक्स और क्लाइमैक्स को बताया गया है और जो पूरी फाइट है अगेंस्ट द स्पिरिट वर्ल्ड, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, तो एक ऑडियंस को देखने में बहुत मज़ा आएगा. प्लस म्यूज़िक इसका काफ़ी बड़ा USP है. ऑलरेडी टचवुड अरिजीत और अरमान के एक एक गाने बहुत बड़े हिट हो गए हैं, तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. एंड जैसे कि फिल्म का टाइटल है सांसे, इसके बारे में टाइटल सांसे क्यों? जी टाइटल सांसे इसलिए क्योंकि जब आपकी बॉडी में कोई सोल आती है या जब आपकी बॉडी किसी स्पिरिट से बंधी होती है तो वो आपकी सांसों को रोक देती है. तो इसका टाइटल एक वहाँ से है और एक इसलिए कि मेरी जो सांसें हैं वो उस लड़की में बंधी हुई हैं. तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक है प्यार वाला रिलेशन और एक है भूत वाला रिलेशन. और कितना चैलेंजिंग होते हैं आप इस किरदार को निभाना? जी इस किरदार को मैंने हॉरर पहले किया हुआ है तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं था कि मैं उसको करते हुए डर रहा था, लेकिन इसमें करीब पाँच या छः एक्शन सीक्वेंस ऐसे हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग थे क्योंकि इसमें अंडर वाटर भी हमारा एक सीक्वेंस है जो जिसके लिए काफ़ी मेहनत की, काफ़ी प्रैक्टिस की पहले, क्योंकि अंडर वाटर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में नहीं किया हमने अंडर वाटर एक सी में किया है और समुद्र में आसपास क्या निकलता है ये आपको पता नहीं होता. तो दैट वॉज वेरी चैलेंजिंग. देन अलॉन्ग विद दैट इसमें एक फाइट है जो मेरी खुद की मेरे से ही है और वो भी बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि उसमें आपको खुद ही इमेजिन करना होता है कि अगला जना क्या कर रहा है. तो मतलब आप अपने ही एनिमी हैं एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट योर सेल्फ. सो दीज एंड द क्लाइमैक्स, ये बहुत ही चैलेंजिंग थे. जैसे कि आपको थ्रिलर एंड हॉरर हमने इस तरीके के किरदार निभाते हुए और किस तरीके के किरदार हैं जो आप निभाना चाहते हैं, क्या क्या आपकी विशेषता है? जी अभी हाल ही में आपने मुझे देखा होगा लाल रंग में मैंने एक अपीयरेंस किया था, तो वो एक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा. वो एक पुलिस ऑफिसर का था, SP गजराज सिंह, और वैसे पुलिस के और मिलिट्री के और स्पोर्ट्स रिलेटेड काफ़ी किरदार मैं करना चाहूँगा. जैसे अगर भाग मिल्खा भाग है तो वैसी एक फिल्म मैं करना चाहूँगा. सो ऐसे स्पोर्ट्स रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड डेफिनेटली कुछ किरदार हैं जो मैं प्ले करना चाहूँगा. जी 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 रियल लाइफ में मैं डेफिनेटली मानता हूँ कि भूत होता है. भूत मतलब स्पिरिट्स होती हैं
अब वो स्पिरिट्स कई बार अच्छी होती हैं, कई बार हल्की सी नेगेटिव होती हैं. नेगेटिव वाली जो होती हैं उन पर पिक्चरें बनती हैं. एंड बट ऑब्वियसली मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं पिछले एक साल पहले तक नहीं मानता था इन सब चीज़ों में, लेकिन लास्ट ईयर मेरे साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि उसके बाद मैंने मानना शुरू किया. एंड वो अगर मैं बताऊँ आपको तो मैं शिमला में था तब, और एक होटल में रात को 10-10:30 के आसपास मैं भाग रहा था ट्रेडमिल पे आफ्टर द शूट. एंड उन्होंने स्पेशली वो जिम खोली थी, वो -3 लेवल पे थी शिमला में. एंड खाली जिम था, आसपास अंधेरा था, बाहर एक खिड़की थी, खिड़की में मतलब आप बाहर सिर्फ खाई देख सकते थे. तो ट्रेडमिल पे भागते भागते सडनली मुझे मतलब ऐसे लगा कि यार कुछ है. एंड मैंने सडनली देखा तो एक बॉडी की एक शेप थी जो सिर्फ ऐसे लगा कि मुझे देख रही है. तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं वापस भागने लगा. एंड उसके बाद अगेन आई सॉ, एंड उसके बाद तो मैंने अपना फ़ोन उठाया, बॉटल उठाई और मैं वहाँ से भागा हनुमान चालीसा करते करते, क्योंकि वो जो मैंने वहाँ देखा वो एक बेसिकली लिटरली एक इंसान की मतलब एक ऐसे कोई देख रहा था मुझे, और उसके जो भाप होती है, जो फॉग होती है, वो शीशे के ऊपर आ रही थी. मैं सिर्फ देखा, अपना सामान उठाया और भागा, क्योंकि और फिर मुझे ये यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है. जी, आई थिंक सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो स्क्रिप्ट है, कि जब मैं कोई स्क्रिप्ट सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ये है कि क्या ये स्क्रिप्ट मैं देखना चाहूँगा, मतलब क्या ऐसी फिल्म मैं देखना चाहूँगा. और अगर वो सही लगता है तो उसके बाद ऑब्वियसली मैं ये देखता हूँ कि उसमें मेरा रोल क्या है. और अगर उसके बाद वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. जी सनी लियोन से डायरेक्टर थी, और हमने सुना डायरेक्टर से कि जी जितनी अंधन उनकी डायरेक्टर के साथ है ये तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ. मेरे साथ कोई ऐसी अंधन उनकी हुई नहीं, तो प्रमोशन का हिस्सा आप कह सकते हैं लगभग मैं भी नहीं था. मैंने 1-2 दिन दे दिए थे, क्योंकि उस डेट्स जो थी वो 2-3 बार शिफ्ट हुई थी फिल्म की रिलीज डेट्स, और पहले की डेट्स ब्लॉक थी. जब तक ये डेट मेरी आई इस बार, तब तक मैं ऑलरेडी कुछ और शूट कर रहा था. तो बीच बीच में से जितने दिन मुझसे बन पाए मैंने वो प्रोड्यूसर को दिए. एंड मतलब दिस इज़ व्हाट आई नो. जी हॉलीवुड में आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसमें खास वजह है कुछ? किस में? हॉलीवुड में? हॉलीवुड में मतलब फ्रेंड्स फॉलोइंग आपकी बहुत है और फ्रेंड्स जी फॉलोइंग है. अब मैं वो तो नहीं बता सकता कि फॉलोइंग कैसे है, बट मेरे ओवरऑल सब दोस्त ही हैं. मेरा ऐसा टच वुड ऐसा कोई दुश्मन नहीं है. तो मेन यही होता है मैं सिर्फ अपना काम करते रहता हूँ, और जो जो रास्ते में अपने दोस्त बनते गए वो तो रहते हैं, बट मेरे पहले के दोस्त बहुत हैं. यार एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा हैं. आई थिंक ये एक बहुत ही सेंसिबली मेड फिल्म है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, इसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है. और हॉरर फिल्म जो होती है उसका कुछ पता नहीं होता. हॉरर फिल्म कैन गो एनीवेयर, मतलब इट कैन, वो अगर हिट हुई तो वो बहुत बड़ी हिट बन सकती है. तो यही होप कर रहे हैं कि सांसें बड़ी हिट हो. और इसके अलावा कुछ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बता? जी इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वजह तुम हो है, जो टी सीरीज़ के साथ है, तो उसमें मैं, शर्मन, गुरमीत और सना है, एंड विशाल पांड्या ने डायरेक्ट किया. ये एक सेंशुअस थ्रिलर है, बहुत ही बढ़िया सस्पेंस थ्रिलर है. तो इसके बाद उसकी बात करेंगे जब ये रिलीज हो जाएगी. तो कितना लकी मानते हैं आपको, क्योंकि आप बैक टू बैक एक के बाद में आप एक फिल्म में मिली हैं, तो कितना लकी मानते हैं उसको आपको? मैं डेफिनेटली लकी मानता हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मैं बीच में ब्रेक नहीं लेता, तो जो ज़रूरी भी है, लेकिन आई थिंक अभी टाइम है काम करने का, तो काम करेंगे अभी तो, मतलब अभी तो है बहुत साल. थैंक यू सो मच. जी तो मेरा सबसे पहले नाम से शुरू करते हैं. मेरा नाम शिरीन है फिल्म में, और ये एक बहुत ही टुडेज डे गर्ल है. आप मेरे जैसी, आजकल की जैसी और लड़कियां हैं बिल्कुल वैसी. और ये एक ऑर्फन है, अनाथ है, और इसकी एक छोटी बहन है जिससे ये बहुत प्यार करती है. और इसकी लाइफ का, इसके पास्ट का एक ऐसा सीक्रेट है जो कि इसे हॉन्ट करता है. और फिर किस तरह से अभय, जो कि रजनीश ने जो किरदार निभाया है, वो इनकी लाइफ में आता है, और फिर कैसे इनकी लाइफ वहाँ से आगे जाती है, तो ऐसा कुछ है. तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है,
और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबको पसंद आएगी। जी, आपको पार्वती के किरदार में देखा था हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर आप ईवन के किरदार में दिखाई दे रही हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करने का कैसे डिसाइड किया आपने? आप देखिए, मैं ईवल हूँ नहीं हूँ उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि फिल्म में मैं ही ईवल हूँ, ऐसा हो सकता है कि मैं ना हूँ फिल्म में ईवल। तो पर ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, ऐसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी। हम एक्टर्स हैं और हमारा काम है अलग अलग किरदार निभाना, तो बस वही किया है मैंने। पर मुझे बड़ा मज़ा आया शूट करने में ये। अगर देखें तो फिल्म और टेलीविज़न में कितना फ़र्क दिखती है, अब कितना डिफरेंस दिखता है? अब तो बिल्कुल कोई डिफरेंस रहा नहीं है। टेलीविज़न अपने आप में इतना बड़ा हो गया है। आई थिंक जो सिर्फ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है जो हमें होती है, वो है टाइमिंग्स की। टेलीविज़न अगर हम रोके नहीं तो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है सालों तक। और यू नो, उसके वर्किंग आवर्स बड़े ऑड होते हैं। मतलब हम दिन में 15-15 घंटे काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करते हैं। वेराज फिल्म्स में हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं मुश्किल से, एंड देन वी रैप इट अप। कुछ महीनों में फिल्म बन के तैयार हो जाती है। और फिल्म में ये है कि आप अलग अलग फिल्म के साथ अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। टेलीविज़न में यही हो जाता है कि सालों तक मतलब सेम कैरेक्टर यू नो चलता रहता है, तो एक मोनोटनी सी आ जाती है। बट आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट, आजकल टेलीविज़न और फिल्म्स में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं रह गया। अगर आपकी बात करिए तो आप किधर ज़्यादा एंजॉय करती हैं? आपको आपको कौन सा मीडियम सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है? मुझे एक्चुअली दोनों करने में बहुत मज़ा आया। आई थिंक एक एक्टर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि वो जो कर रहा है, या किसी भी आर्टिस्ट के लिए, कि उसे उसके काम के लिए अप्रिशिएट किया जाए, सराहा जाए, जो कि मुझे अभी तक टेलीविज़न से मिला है। फिल्म क्योंकि रिलीज़ नहीं हुई है, तो अभी तक वो प्यार और यू नो अफेक्शन मिला नहीं है। आई होप कि फिल्म को भी मिले, पर मुझे दोनों करने में बड़ा मज़ा आया। एंड इफ़ नीड बी, आगे जाके मुझे यू नो टेलीविज़न में कोई अच्छी अच्छे रोल का ऑफ़र आए, तो मैं डेफिनेटली वो करूँगी। बॉलीवुड में जब भी कोई एक्ट्रेस डेब्यू करती है तो लव स्टोरी के साथ या ऐसे कोई टिपिकल रोल के साथ करती है, आपने हॉरर फिल्म के लिए? देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। मुझे राजीव सर, जो हमारे डायरेक्टर हैं फिल्म के, उनका एक दिन ऐसे ही कॉल आया। मैं साउथ में फिल्म्स कर रही थी महादेव के बाद, तो उनका कॉल आया और उन्होंने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे और मैं आपको एक स्टोरी नरेट करना चाहता हूँ। तो मैं तुरंत ऑफिस चली गई, मैंने बोला सर वाई नॉट, और मैंने स्टोरी सुनी। और कभी कभी एक होता है ना, हम डिसीजन लेने से पहले एक बहुत इंस्टिंक्टिव चीज़ होती है, जब हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि अच्छा मैं ये करूँ मैं ये नहीं करूँ। तो वैसा हुआ, मैं गई, मुझे पता लगा कि उन्होंने ऑलरेडी मुझे माइंड में रखा था इस रोल के लिए और वो मेरे साथ ही शूट करना चाहते थे ये फिल्म। तो आई सर वाई वेट, कोई चीज़ जो आ रही है मेरे पास, मैं उसे रिफ्यूज़ क्यों करूँ? तो मैंने हाँ बोली। जब महादेव से आप बाहर गई तो बहुत सारी बातें हुई थी आपके बारे में, तो इस बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, हम किसी भी फील्ड को ले लें जहाँ हम काम करते हैं, आप भी यू नो अपने ऑफिस में जब होते होंगे तो आपके फॉलोआउट्स होते होंगे, झगड़े होते होंगे ऑफिस में। सिमिलरली मेरा भी हुआ। और अच्छी बात ये है कि हम सब आगे मूव ऑन हमने किया लाइफ में। मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, हमने अपने इश्यूज सॉर्ट आउट किए। और जब महादेव की रैपअप पार्टी थी तो उसमें मैं गई थी। अगर किसी तरीके की भी बिटरनेस होती या यू नो कुछ भी ऐसा होता, तो आई डोंट थिंक हम सारे साथ वहाँ होके महादेव का रैपअप सेलिब्रेट कर रहे होते। तो बस वो फॉलआउट था, एंड आई थिंक इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, होता रहता है यार। मतलब कड़वाहटें आती हैं, कभी अच्छे पल होते हैं, तो होता रहता है। शूट के टाइम, क्योंकि देखिए मेरी पहली हिंदी फिल्म है तो मेरे लिए बहुत स्पेशल थी ये। और मैंने इस फिल्म का हर मोमेंट चेरिश किया है। और हमने पूरी फिल्म मॉरिशस में शूट की है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि मॉरिशस अपने बीचेस के लिए और अपनी शांति के लिए, अपने चिल्ड आउट एनवायरनमेंट के लिए फेमस है। तो कब फिल्म शुरू हुई, कब हमने ख़त्म कर दी फिल्म, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा कि हमें कोई बहुत बड़ी वेकेशन पे थे और काम काम हो रहा था, ऐसा पता भी नहीं चल रहा था। तो मुझे बड़े मज़े आए। अच्छा,
अच्छा जैसे कि आपने कहा कि सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो जी क्या अगर अगर मौका मिला तो फिर से टेलीविजन की तरफ जाना चाहेंगी या फिर अभी सिर्फ फिल्म के साथ कंटिन्यू करना चाहेंगी? अरे आपने ये बात उठाई है, उनके मेकर्स का मुझे फिर कॉल आया था, हमारे प्रोड्यूसर जो है निखिल सर का, वो एक नया शो बना रहे थे जिसमें वो मेरे साथ काम करना चाहते थे दोबारा, और काफ़ी कुछ फाइनलाइज हो गया था पर फिर मैं कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से बिज़ी थी तो वो वर्कआउट नहीं हो पाया। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हम आज तक भी सारे टच में हैं और बात करते रहते हैं। डेफिनेटली अगर आगे ऐसा कुछ हुआ वो फिर से मुझे किसी प्रोजेक्ट के लिए बुलाएंगे और मुझे वो अच्छा लगे और चीज़ें वर्कआउट हो जाएं तो हम डेफिनेटली करेंगे आगे। अच्छा, फिल्म के ऐसा कोई जॉनर है जिसमें आगे खुद को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आप? देखिए मैं एक बहुत ही होपलेस रोमांटिक हूँ, तो रोमांस ऐसी चीज़ है जिससे मैं डेफिनेटली, कोई बड़ा अच्छा रोमांटिक ड्रामा हो, कुछ जिसमें बहुत सारा ड्रामा हो वो, एंड सेकंड इज़ आई एम एन एक्शन मूवी बफ, मुझे एक्शन फिल्म्स बहुत पसंद हैं, सुपर हीरो मूवीज़ जितनी होती हैं वो बहुत पसंद हैं, तो मैं डेफिनेटली कोई एक्शन पैक्ड फिल्म करना चाहूँगी जिसमें मैं सारा एक्शन कर रही हूँ और हीरो को बचा रही हूँ। लिस्ट तो बहुत लंबी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है, कोई एक्टर की बात करी जाए, एक्टर मुझे आजकल मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है, आई थिंक बाजीराव वाज लाइक कमेंडेबल, ही डिड एन अमेजिंग जॉब इन बाजीराव। रणवीर कपूर इज़ एन फैंटास्टिक एक्टर, एंड अमिताभ बच्चन जी, उनके साथ तो मतलब अगर 2 मिनट के लिए भी स्क्रीन स्पेस शेयर करने का मुझे मौका मिल जाए तो आई वुड गिव एनीथिंग अप फॉर दैट। डायरेक्टर्स में मैं इम्तियाज़ अली के साथ काम करना चाहूँगी, आई हैव लव्ड हिज वर्क फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम नाउ एंड मुझे उन पर छोटा सा क्रश भी है, तो आई वुड एब्सोल्युटली लव टू वर्क विद इम्तियाज़ अली। अच्छा, इसके अलावा भूत की कहानी है, तो आप कितना बिलीव करते हैं इस तरह की कहानियों में? ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है भूत को लेकर, या कितना मानती है इसे? जी देखिए, एक्चुअली ग्रोइंग अप आई थिंक हम सबको हमारी मम्मियों ने, दादियों ने, नानियों ने कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाई है जिसमें भूत कहीं ना कहीं होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं। तो जी डेफिनेटली मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है मैं उसमें बिलीव करती हूँ, और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि हमारे एक दूसरी दुनिया है जो हमारे साथ कोएग्जिस्ट करती है, पर मैं ये भी मानती हूँ कि अगर हम कुछ गलत ना करें, किसी का हमने कुछ बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कुछ ख़राब नहीं हो सकता। देखिए हम जिस भी प्रोजेक्ट का पार्ट होते हैं, हम जिस पे भी मेहनत करते हैं और अपने पूरे दिल से उसे करते हैं, तो उससे हमें एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। यू नो, हम चाहते हैं कि वो उसको दुनिया की सारी सक्सेस मिले और यू नो लोगों को काम अच्छा लगे और लोग अप्रिशिएट करें उसे, तो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि मेरी फिल्म बहुत अच्छा करे और लोगों को पसंद आए, और जिस तरह लोगों ने पास्ट में मुझे पसंद किया इसमें भी पसंद करें। थैंक यू सो मच। गीता, सबसे पहले तो क्या कहना चाहेंगे सांसे फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में थोड़ा बताइए? सांसे फिल्म एक हॉरर फिल्म है, लेकिन हॉरर के साथ में इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स है, लाइक लव, फ्रेंडशिप, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप, so it is not just horror but there are this relationship bondings and elements in it। और इस फिल्म में मैं तानिया सबरवाल का किरदार निभा रही हूँ जो एक यंग बिजनेस वुमन है, और मॉरिशस के टॉप बेस्ट क्लब्स ये तानिया सबरवाल ओन करती है, और शिरीन इसके क्लब में एक सिंगर है। तो तानिया और शिरीन की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों साथ में रहते हैं, और तानिया शिरीन के लिए एक ऐसी फ्रेंड है जो उसको लेके पॉजिटिव है, उसका ख्याल रखती है, और शिरीन के बारे में सब कुछ जानती है कि शिरीन किस प्रॉब्लम से गुजर रही है, पर वो उसको हेल्प नहीं कर सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। हमारी लाइफ में होता है ना कि कुछ तो हो रहा है, एक फ्रेंड है जिसे सब पता है, दे कांट हेल्प इट, सो आई एम दैट फ्रेंड हु इज़ देयर विद हर एज अ सपोर्ट सिस्टम, हु विशेज गुड फॉर हर, शी ट्रीट्स हर लाइक अ सिस्टर, सो दिस इज़ द होल फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन मी एंड शिरीन। अगर बात करिए तो तानिया कैरेक्टर से आप कितना रिलेट करती हैं? मैं कम्प्लीटली रिलेट करती हूँ, बिकॉज अगर
मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप करती हूँ तो देन दैट पर्सन इज माइन. तो आई एल लव, आई एल केयर, देन आई एम कंसर्न फॉर दैट पर्सन एंड आई एल बी देयर फॉर दैट पर्सन. सो दिस वॉज वेरी इजी फॉर मी टू रिलेट विद तानिया बिकॉज आई एम लाइक दैट एज अ पर्सन. अगर मेरे साथ कोई दोस्त है तो मैं ऐसा करूँगी. सो इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू प्ले तानिया. चैलेंजेस ऐसे नहीं थे. क्लाइमैक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट आई कांट टॉक अबाउट इट राइट नाउ. इसके अलावा ऑन स्टेज मतलब कैसी ट्यूनिंग रही रजनीश के साथ और सोनारिका के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया. इनफैक्ट हम सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही. फर्स्ट डे हम लोग एकदम जेलअप हो गए और बहुत लाइट और लाइवली माहौल था. तो काम कर रहे हैं, ऑफकोर्स जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी होती है तो आपके वो सीन्स में दिख के आता है कि कितना कितना कॉन्फिडेंस है, ईज है. तो जेन्युइनली आ जाता है, यू नो. सो देयर इज़ नो एनी थिंग हैपनिंग. सो बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही, मज़ा आया दोनों के साथ. मैं तो दोनों जगह इन्जॉय करती हूँ. एड्स नहीं बट आई थिंक सी टी वी हैज ओन फ्लेवर एंड आई लव एन्जॉइंग. आई लव वर्किंग इन टी वी एंड आई लव वर्किंग हेयर ऑल्सो. हेयर इट इज़ मोर अबाउट डिटेलिंग बिकॉज जब आप एक बार फिल्म करते हो वो फिल्म आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है, आपके साथ लाइफ में हमेशा रहती है. सो आई थिंक तो जब आप फिल्म करते हो तो वो एक फ्रेम आप में आपकी परफॉर्मेंस, आपका सीन का कॉन्टेक्स्ट सब डिटेलिंग में आना चाहिए, यू नो. सो इट इज़ मोर अबाउट डिटेलिंग, माइन्यूट डिटेलिंग. सो आई थिंक दिस इज़ अ नॉच बेटर देन टीवी. सो आई थिंक आई हैड फन शूटिंग फॉर द फिल्म. आई डोंट एक्सपेक्ट, आई नेवर एक्सपेक्ट एनी थिंग. वॉट एवर हैपन्स हैपन्स विद द ग्रेस ऑफ गॉड. सो बट आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट एंड आई होप कि पीपल नोटिस माई वर्क एंड आई गेट मोर वर्क. दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट. इसके अलावा भूत में कितना बिलीव करते हैं, क्योंकि भूत के ऊपर फिल्म, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे भूत को लेकर? मेरा पर्सनल ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन हाँ, पर जब हम मॉरिशस में एक्चुअल लोकेशंस में नाइट शूट्स कर रहे थे, वहाँ पर एक थोड़ा सा आपको वो वाइब्स पता चलता है कि ये सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, तो यहाँ से निकल रहा हूँ. तो मॉरिशस में मुझे ऐसी फीलिंग आई है. यहाँ मुंबई में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, बट मॉरिशस में जब हम नाइट शूट कर रहे थे तो थोड़ा सा वो ईरी फीलिंग आया. और उस लोकेशंस में थे भी कि यू नो ऐसा कुछ हुआ है, और तो थोड़ा सा फीलिंग पता चल जाता ना कि कुछ तो सही नहीं है. सो इट्स बेटर कि सर लो यहाँ से. सो दैट इज़ द एक्सपीरियंस आई वुड से. जैसे कि इट्स अ हॉरर जॉनर, और कौन कौन सी जॉनर जो आप करना चाहते हैं? I would love comedy, I would love romance, action, yes. I would actually, as an actor, I would want to do all the genres. और अगर एक्टर की अगर बात की जाए तो मतलब किस एक्टर की सपना वाली पिक्चर काम करना चाहते हैं? क्या मैं आमिर खान, ऋतिक रोशन इनके साथ काम करना चाहेंगे. काजोल, I would like to work with her. Anything you want to say to your fans? I would say कि अभी दिवाली है तो आप लोग धमाल कीजिए, मस्त स्वीट्स फराल वराल वो जो है ना खाइए, और फुल ऑन एनर्जेटिक हो जाइए, क्योंकि 11th नवंबर को सासे रिलीज़ होने वाली है. और जब आप थिएटर में जाएंगे तो आपके सासे जो है ना वो मुझे भी नहीं पता क्या होगा. तो आप लोग अभी दिवाली एंजॉय कीजिए और फुल ऑन जोश में आप हमारी फिल्म देखने आइए 11th नवंबर को, और फिर आपको सब कुछ पता चलेगा, मिस्ट्री पता चलेगा. हिंदी में नहीं, बट मराठी में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, और फिल्म रिलीज़ होगी दिसंबर में. बट आई एम नॉट सपोज टू टॉक अबाउट इट, सो आई कांट टॉक अबाउट इट. बट प्लीज़ प्लीज़ आई विल कीप यू अपडेटेड व्हाट आर द प्रोजेक्ट्स. थैंक यू.